सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टोक्यो मांजी एक्स्ट्रा सीरीज के चैप्टर 2 को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिसेंटली इस चैनल पर मैंने सोलो लेवलिंग के एपिसोड्स भी डालना स्टार्ट किए हैं, तो इन केस अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको एक बार ज़रूर ट्राई करना। पिन कॉमेंट में आपको उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है विंग्स टू टाइगर। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम काजुतोरा और बाजी को देखते हैं, जहां पर काजुतोरा गुस्से में अपने धोखेबाज दोस्तों के बारे में बात कर रहा था। और वो कहता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था जब भी वो लोग मुझसे पैसे मांगते थे, पर वो लोग हमेशा मेरे सामने गिड़गिड़ाते रहते थे। इसी वजह से मैंने कई बार अपनी मॉम के पर्स से पैसे चोरी करके उनको दिए हैं, पर इन सब के बाद भी वो लोग मुझे छोड़कर भाग गए। शायद सच में मैं उनके लिए एक क्रेडिट कार्ड से ज्यादा कुछ भी नहीं था। और इसके बाद काजुतोरा कहता है कि अब तक का ये उसका सबसे ज्यादा बेकार जन्मदिन था। और बाजी काजुतोरा की तरफ देखते हुए कहता है, बेकार जन्मदिन हाँ, अगर ऐसी बात है तो तुम कुछ तूफानी क्यों नहीं करते। और इसके बाद काजुतोरा कुछ समझ नहीं पाता है और बाजी उसे कुछ क्रेजी करने के लिए कह रहा था। और बाजी कहता है, हमारी ये दोस्ती इस फाइट के लिए है। और इन सब के बाद काजुतोरा हमें बताता है कि उसने और बाजी ने रात भर काफी धमाल मचाया। उन लोगों को जिसके भी घर पसंद नहीं आते थे वो उनके घर में घुसते थे और उनकी पिटाई कर देते थे। और इन सब के बाद वो एक आदमी की गाड़ी में आग भी लगा देते हैं, मतलब कुछ ज्यादा ही हो गया। और इन सब के बाद बाजी और काजुतोरा उस जलती हुई कार के सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे होते हैं। और काजुतोरा बाजी से कहता है, हमने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया ना। जिसके जवाब में बाजी कहता है, ना, कभी कभी ये सब करना अच्छा होता है। और इन सब के बाद बाजी काजुतोरा से आगे कहता है, काजुतोरा इस जलती हुई आग के सामने कसम खाओ कि दोस्ती कभी भी फायदे या नुकसान के लिए नहीं की जाती, और यहाँ से मैं और तुम दोस्त हैं। और हम काजुतोरा को देखते हैं जो कि खुशी था, आखिर में उसको एक दोस्त मिल गया था। जिसके बाद बाजी कहता है, क्यों ना हम तुम्हारे जन्मदिन को उस धोखेबाज के साथ खत्म करें। और इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि काजुतोरा जंगपे की पिटाई कर रहा था, जिसके बाद जंगपे काजुतोरा से कहने लग जाता है कि तुम तो मेरे दोस्त हो, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। और काजुतोरा जंगपे के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, पर मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए एक क्रेडिट कार्ड हूं ना। और ये सुनने के बाद जंगपे काफी डरते हुए कहता है, काजुतोरा क्या तुम अभी भी उस पुरानी बात को लेकर नाराज हो, सुनो मुझे माफ कर दो। जिसके बाद काजुतोरा जंगपी से उसका इयररिंग मांगता है जो उसे पहले से ही पसंद था, और काजुतोरा जंगपी को उसे मिस्टर काजुतोरा बोलने को कहता है। बाजी और काजुतोरा काफी खुश थे। और इसके बाद काजुतोरा बैकग्राउंड में कहता है, वो मेरा 11वां जन्मदिन था जिस दिन मैंने अपने समझदारी को लात मार दी। और इन सब के बाद हमें अप्रैल महीने का सीन दिखाया जाता है, जहां पर काजुतोरा अपना मिडिल स्कूल स्टार्ट कर रहा था, मतलब कि उसके मिडिल स्कूल का आज पहला दिन था। और हम देख सकते हैं कि काजुतोरा ने अपना लुक चेंज कर लिया था। और इसके बाद वहां पर बाजी आ जाता है जो कि काजुतोरा को देखने के बाद काफी ज्यादा हंसने लग जाता है। वो कहता है कि तुमने इतना अजीब सा हेयर कट क्यों करवा लिया, और ये क्या तुम्हारे गर्दन पे एक टैटू भी है। और ये सब बोलने के बाद बाजी काफी ज्यादा काजुतोरा पे हंसने लग जाता है और काजुतोरा कहता है चुप हो जाओ। और जिसके बाद बाजी जब काजुतोरा का मजाक अच्छे से उड़ा लेता है, वो कहता है, आओ मैं तुम्हें अपने कुछ दोस्तों से मिलवाता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं वहां पर ड्रैगन और माइकी को, जिसके बाद बाजी काजुतोरा से कहता है उसका नाम है केन रियोजुकी। और ड्रैगन जैसे ही काजुतोरा का हेयर स्टाइल देखता है, वो कहता है, वाओ एक पंच पर्म। जिसके बाद वो कहता है, तुम्हारे पास एक टाइगर टैटू भी है गले में, ये तो काफी ज्यादा कूल है। और काजुतोरा ड्रैगन के ड्रैगन टैटू को देखता है, वो कहता है, एक ड्रैगन टैटू ये तो अभूमूल्य है। और जब ड्रैगन और काजुतोरा एक दूसरे के लुक को देखकर सरप्राइज हो रहे थे, उसी वक्त पीछे से कोई आवाज देते हुए कहता है, ओए काजुतोरा आज तुझे मेरे साथ खेलना होगा। और हम देखते हैं वो है माइकी, जिसके बाद काजुतोरा बाजी से पूछता है, आखिर ये बंदा कौन है। जिसके बाद बाजी बताता है, इसका नाम है माइकी। जो सुनने के बाद काजुतोरा काफी हैरान रह जाता है, वो कहता है, माइकी वही माइकी जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। जिसके बाद काजुतोरा माइकी की शक्ल देखता है और वो कहता है,
नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। और गाइस ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। तो टोक्यो मांजी एक्स्ट्रा सीरीज के चैप्टर 2 तक हम 4 फाउंडिंग मेंबर्स को देख चुके हैं। सो आगे के चैप्टर्स में शायद हमें बाकी के फाउंडिंग मेंबर्स भी देखने को मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।